तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी बढ़िया साईफाई हॉरर फिल्म को जिसका नाम है दम मिल। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले प्लेटफॉर्म नाम की एक फिल्म आई थी तो उसके अंदर फूड को लेकर चीजें दिखाई गई थी कि कैसे वहां पर काम करती हैं चीजें, और यहां पर ऐसी ही एक और मूवी ये मिल है जिसके अंदर हमें वर्क प्लेस दिखाया जाएगा और काफी बढ़िया मूवी है, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये मूवी जो है वो हुलू पर अवेलेबल है और ये अक्टूबर में ही रिलीज हुई है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जो को दिखाते हुए। वो एक मैनेजर है मैलर नाम की एक कंपनी में, लेकिन इस वक्त जो बेहोश है और जब उसे होश आता है तो वो ये देखता है कि वो एक रूम के अंदर था जिसकी रूफ नहीं थी और उसे ये बात याद नहीं थी कि वो यहाँ पर आखिर पहुंचा कैसे। खैर अब वो उठकर ये बात याद करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा था, लेकिन तभी उसे वहां पर एक बंद दरवाजा दिखता है। खैर इसके बाद उसे कहीं से कुछ आवाज आती है और वो ये देखता है कि साथ वाले रूम के अंदर एक आदमी है और वो वेंट में से बात कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे कुछ काम करना है, जिसके बाद जो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो दीवारें थी ना वो कम से कम 40 फीट लंबी थी तो उसकी कोशिश बिल्कुल नाकाम रहती है। खैर अब वो थक हार कर बैठ जाता है और तभी कोई दरवाजा नॉक करने लगता है और यहाँ बैकग्राउंड में हम एक मिल यानी कि चक्की देखते हैं और इसका ही मूवी के अंदर बहुत बड़ा रोल है, फिर इसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। अब इसके बाद जो जाकर ये देखता है कि डोर के बाहर एक गार्ड है और वो जो के किसी सवाल का जवाब ही नहीं देता। वो गार्ड अंदर एक पानी की बोतल और एक सैंडविच फेंक देता है अब इस उम्मीद में कि शायद गार्ड उसकी मदद कर देगा। तो जो दरवाजे के बाहर अपना हाथ निकालता है, लेकिन टू हिज शॉक गार्ड जो के ही हाथ पर बहुत तेज मारता है और जो चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ में अपनी टाई निकाल कर बांध लेता है और ऐसे ही रात हो जाती है। तो जो वो सैंडविच और पानी उठाता है और ये देखता है कि वो दोनों चीजें उसकी ही कंपनी मैलर्ड की थी, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज थी। खैर अब इसके बाद में मैलर्ड कंपनी एक मैसेज होलोग्राम के जरिए जो को देती है और उसका वेलकम करती है। वो ये कहती है कि वो जो को पहले से बेहतर बना देंगे, जिसके बाद होलोग्राम अचानक से गायब हो जाता है और वहाँ पर वॉल पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया था। फिर जो अपने साथ वाले रूम के आदमी से पूछता है कि ये काउंटडाउन आखिर है किस चीज का, और यहाँ पर हम साथ वाले रूम के इस आदमी को नेबर बुलाएंगे। सो उसको नेबर बताता है कि ये उसे सुबह खुद पता चल जाएगा और अभी वो शांति से सो जाए, जितने घंटे उसके पास है वो शांति से सो ले, और इसके अलावा उसका नेबर उसे ज्यादा कुछ बात नहीं करता। अब जो उससे उसका नाम भी पूछता है, लेकिन वो अपना नाम तक नहीं बताता, और जो उसका नेबर था वो बाकी सबसे उनका नाम पूछता है। जी हाँ, यानी कि वहाँ पर जो और उसके नेबर के अलावा और भी ज्यादा लोग थे और उन सभी को कैप्टिव रखा गया था, यानी कि उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। खैर यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वो सभी जो के ही एम्प्लॉयज थे जो कि उसके नीचे काम किया करते थे और शायद से नेबर भी उनमें से ही एक था। खैर यहाँ पर तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि बाकी जो बंदी होते हैं वो जो के ऊपर चिल्ला रहे थे, तो जो यहाँ पर चुपचाप सोने चला जाता है। लेकिन आधी रात को गार्ड्स एक कैप्टिव्स को लेकर उसके साथ कुछ कर रहे थे और वो कैप्टिव्स काफी चिल्ला रहे थे और वो बंदी काफी चिल्ला रहा था। खैर वो किसी तरह से सोता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है और गार्ड अब आकर जो को ये कहता है कि जो ने जो कुछ भी कचरा किया है वो वेस्ट डंप में डाल दे जो कि कॉर्नर में है, और जो को सब कुछ वहीं पर डंप करना होगा। नेबर भी जो को ऐसा ही करने की सलाह देता है और वो ये कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो गार्ड्स उसको पनिश करेंगे। जो अब डर कर सारा वेस्ट वहाँ पर डंप कर देता है, और जब वो वापस आता है तो उसे वहाँ पर ग्राउंड में एक स्कल मिलता है, और नेबर अब जो को बताता है कि पहले भी वहाँ पर कई और लोगों ने खुद को खत्म किया है और वो स्कल उनमें से ही किसी एक का होगा। खैर इसके बाद वो होलोग्राम फिर से शो होता है और जो मैलर्ड को गालियां देने लगता है, यानी कि कंपनी को वो गालियां दे रहा था और चिल्ला रहा था। अब यहाँ पर मैलर्ड जो को बताता है कि जो के डिपार्टमेंट का काम खराब होता जा रहा था, जिस वजह से उनके डिपार्टमेंट की रेटिंग्स गिरती जा रही थी, और रेटिंग्स के गिरने के साथ ही उनकी कंपनी को घाटा हो रहा था, और अब ये कंपनी जो और उसके एम्प्लॉयज को पहले से बेहतर बनने की एक अपॉर्चुनिटी देंगे और अब जो को यहाँ पर एक नया काम दिया जाएगा। खैर अब जो की नए ऑफिस टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और उसका नया काम है कि वो मिल जो की उसके पीछे है उसको उसे 50 बार घुमाना है और 50 सर्कल्स जो का डेली कोटा होगा, मतलब उसको 50 से ज्यादा बार उसे घुमाना होगा। लेकिन ये सिर्फ मिनिमम साइकिल है, क्योंकि जिसने सबसे कम साइकिल्स कंप्लीट किए होंगे मतलब उस आदमी को मरना होगा। तो यहाँ पर जो और उसकी बाकी टीम जो की उसके नीचे काम किया करती थी वो ज्यादा से ज्यादा साइकिल्स को कंप्लीट करेगी,
और इसके बाद होलोग्राम अचानक गायब हो जाता है। खैर उसका नेबर भी जो को ऐसा ही करने की सलाह देता है और वो अब रेडी होकर उस मिल को पुश करने लगता है। पहले उससे वो पुश नहीं होता, लेकिन जिंदगी और मौत का सवाल था तो वो उसे पुश करने लगता है, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो इंसान के अंदर एक अलग सी ही ताकत आ जाती है। खैर पहले दिन में जो 99 साइकिल्स को पूरा करता है, जो कि उसके डेली कोटा से 49 साइकिल ज्यादा था, और मैलर्ड उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करते हैं। खैर अब रात में जो को ये सुनाई देता है कि एक और एम्प्लॉय को गार्ड मारने वाले थे और वो उसे मार भी देते हैं। फिर इसके बाद अगली सुबह जो अपने सैंडविचेस और पानी की बोतल लेकर अपने पास रख लेता है और अपने नेबर से बात करने की कोशिश करता है। नेबर जो को कहता है कि वो किसी और को अपने कंप्लीट किए साइकिल्स के बारे में ना बताए। नेबर बताता है कि वो दोनों दोस्त नहीं हैं, बस कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये भी बोलता है कि उन दोनों को पहले अच्छी सैलरी का लालच दिया गया था और अब वो दोनों यहाँ पर कैद हो गए हैं। जो नेबर को बताता है कि उसकी एक बीवी है और वो प्रेग्नेंट है, उनको एक बेटा होने वाला है, लेकिन वो यहाँ पर कैद हो गया है, जो कि उसकी बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। खैर नेबर जो को ये बोलता है कि जब वो पहले से ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट करते हैं फिर कोटा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जो के पहले जो आदमी उसके रूम में था वो भी ऐसा ही करता था, और एक दिन वो उस सेल से अचानक गायब हो गया, यानी कि उसको मार दिया गया, और इसका नेबर जो कोई भी है वो यहाँ पर काफी टाइम से कैद था। खैर अब इसके बाद में सायरन फिर से बजता है और जो मिल को पुश करने लगता है, और हम जो की फ्लैशबैक मेमोरीज को भी देख पाते हैं, जिसके अंदर हम उस बीवी को देखते हैं और वो दोनों एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुए थे और वो दोनों काफी खुश थे। फिर हम देखते हैं कि जो का काम खत्म हो जाता है और जो ने 150 साइकिल्स कंप्लीट किए थे। फिर तभी जो के रूम के दरवाजे पर गार्ड नॉक करता है और उसे डोर के पास आकर खड़े होने के लिए कहता है। पहले तो वो डर जाता है, लेकिन मजबूरी में उसे वहां जाना पड़ता है, और जब वो रूम से बाहर निकलता है तो गार्ड उस पर पानी फेंकने लगते हैं, और गार्ड ने जो को साबुन भी दिया था। बेसिकली वो जो को नहाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि जो ने इम्प्रूवमेंट दिखाई थी, ये उसका रिवॉर्ड था। खैर जो अब सो जाता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है, और जो यहाँ पर अब फिर से मिल को पुश करने लगता है और थोड़ी देर रेस्ट करता है, और वो नेबर से ये पूछता है कि वो ये मिल्स पुश आखिर कर क्यों रहे हैं। तो नेबर ये कहता है कि वो ऐसा किसी के लिए भी नहीं कर रहे, ना ही इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ना ही इससे गेहूं पिस रहे हैं, और यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो ये सब करते क्यों हैं, या फिर उनसे ये करवाया क्यों जाता है। फिर जो फिर से काम पर लग जाता है, और यहाँ पर दोपहर के अंदर उसे गर्मी लगने लगती है और पानी भी उसका खत्म हो चुका था। तो नेबर जो को कहता है कि वो अपना यूरिन बॉटल में डाल ले और अपने शूज के जरिए यूरिन को फिल्टर कर ले, लेकिन स्टार्टिंग में तो जो इसके लिए नहीं मानता और फिर से काम करने लगता है। अब फिर से हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं, जिसके अंदर हमको नजर आता है कि जो को अच्छी सैलरी मिलने बंद हो गई थी, तो उसकी बीवी भी कहीं पर काम करने के लिए कह रही थी, लेकिन जो इसके खिलाफ था। खैर अब इसके बाद में जो का टाइम खत्म हो जाता है और वो थक कर नीचे लेट गया था, और आज यहाँ पर जो साइकिल्स थे ना, यानी कि मिल को घुमाने वाले, वो 370 थे। खैर यहाँ पर अब वो मिल के हैंडल के नीचे एलेक्स नाम देखता है और वो नेबर से उसके बारे में पूछता है, तो नेबर बताता है कि एलेक्स वही आदमी था जो कि उस रूम से अचानक एक दिन गायब हो गया, और बाकियों का ये कहना है कि वो इस जगह से बाहर निकल गया था, यानी कि वो मरा नहीं था बल्कि वो बच गया था, और वो यहाँ से भागा नहीं बल्कि मैलर्ड ने उसे छोड़ दिया था। जो पूछता है कि वो लोग इस जगह को ऑपरेट कैसे करते हैं, तो नेबर कहता है कि उसे नहीं पता, बल्कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होगा। और ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है, और अगली सुबह मैलर्ड जो की इम्प्रूवमेंट के लिए एक टोकन देते हैं। जब जो वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर एक पेन था। जो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस पेन का करेगा क्या, तो जो मैलर्ड पर चिल्लाने लगता है, और जब जो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसका डेली कोटा चेंज होकर अब 50 से 370 हो चुका था, मतलब कि अब उसे रोज मिनिमम 370 साइकिल्स कंप्लीट करने थे। लेकिन मुद्दा ये था कि जो अब उस मिल को पुश करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था, तो वो मिल को पुश करने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसने एक साइकिल पूरा कर लिया, लेकिन बोर्ड पर शो हो रहा था कि अभी तक एक भी साइकिल पूरा नहीं हुआ है। तो नेबर बताता है कि उसके बोर्ड में XX सिंबल है, तो जो कहता है कि हाँ, तो नेबर बोलता है कि वो एक्स सिंबल का मतलब पेनल्टीज है, और जितनी पेनल्टीज होंगी उनका मतलब डबल साइकिल्स, लाइक अगर 50 कोटा है तो 100 साइकिल पूरे करने होंगे। खैर जो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, तो उसको यहाँ पर 740 साइकिल पूरे करने थे, लेकिन वो उससे नहीं होते और वो थक कर बैठ जाता है। खैर अब नेबर ये कहता है कि उसे ये काम करना ही होगा, जिस पर जो कहता है कि उसे 370 साइकिल पूरे नहीं होंगे, और ये बात सुनकर सभी कैप्टिव्स बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि अब उन सबको 370 करने होंगे और आज कोई ना कोई जरूर मरेगा। खैर जो का टाइम भी खत्म हो जाता है, और अभी जो ने 250 प्लस साइकिल्स किए थे, तो जो कहता है कि उन्होंने उसको पेनल्टीज दे दी थी। तो मैलर्ड कंपनी बताती है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचता तो उसको ये पेनल्टीज नहीं मिलती।
खैर मैलर्ड कंपनी जो को बताती है कि अब उसका काम ज्यादा हो चुका है तो उसको एक वर्कर की जरूरत पड़ेगी और उसकी को वर्कर होगी उसकी ही वाइफ। लेकिन जो कहता है कि वो अपना कोटा पूरा करेगा और उसकी वाइफ को यहाँ पर लेकर ना आए। तो मैलर्ड एज अ पनिशमेंट जो के रूम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, लेकिन जो को ये सब सहना ही पड़ता है तो वो कैसे भी करके सो जाता है। अब रात को होता यह है कि एक और एम्प्लॉय को मारा जा रहा था और जो इन सबको इग्नोर करने की कोशिश करता है। खैर अगले दिन उठकर जो फिर से काम पर लग जाता है और अब उसे आवाज सुनाई देने लगती है और एक टाइम पर जो खुद को देखता है जो कि उसकी इंसल्ट कर रहा था और उसको डिमोटिवेट कर रहा था, यानी कि उसके हेलुसिनेशंस थे। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता और अपने 370 साइकिल्स के कोटे को पूरा कर लेता है, जिसके बाद वो आराम से सो जाता है। लेकिन अगले दिन मैलर्ड कंपनी जो को कोई भी गिफ्ट नहीं देती बल्कि मोटिवेशन देती है। मैलर्ड कंपनी जो को उसके बेटे की वीडियो दिखाती है जो कि हॉस्पिटल में था उसकी वाइफ के साथ, और जो इस चीज को देखकर बहुत खुश था कि उसका बेटा हुआ था। खैर अब ये सब देखने के बाद जो को किसी भी हालत में वहाँ से बाहर निकलना था और वो यही सोच रहा होता है कि वो बाहर कैसे जाए। अब जो नेबर के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि एलेक्स बाहर कैसे निकला था, यानी कि जो इससे पहले यहाँ पर रहता था। तभी जो नेबर को ये बोलता है कि वो फादर बन चुका है और उसे वहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा अपनी बीवी और बेटे के लिए। खैर नेबर यहाँ पर ये बताता है कि उसकी भी एक फैमिली है और वो भी यही चाहता था कि वो भी अपने बच्चे को चलता हुआ देखे। फिर नेबर जो को बोलता है कि वो पिलर के पीछे से निकल सकता है और जो को एक आइडिया आता है वॉल में होल बनाने का, और वो उस पेन को उठाता है जो कि मैलर्ड कंपनी ने जो को दिया था और वो अब वॉल के अंदर होल करने लगता है और वो साथ साथ काम भी कर रहा था ताकि मैलर्ड कंपनी को शक ना हो कि जोई वहां से भागने की कोशिश में है। अब फाइनली होल भी काफी बड़ा हो चुका था और ऐसे ही वो दिन आ जाता है जब जो को वहां से भागना था। खैर जो ये बात अपने नेबर को बताता है और उसका नेबर उसे मोटिवेट करता है। खैर अब जो उस होल में घुस जाता है और वहां से क्रॉल करने लगता है और बाहर पहुंच जाता है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था और एक गार्ड तभी जो को अचानक से बेहोश कर देता है और जो देखता है कि वो अब फिर से अपने ही रूम में था और जो होल उसने बनाया था वो होल भी उन्होंने भर दिया था। खैर इसके बाद में मैलर्ड कंपनी जो को बताती है कि उसने वहां से भागने की कोशिश करी है और इसलिए अब उन सबका डेली कोटा 1000 कर दिया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल चीज थी। और तभी गार्ड आकर नेबर की टांग तोड़ देते हैं और नेबर बहुत ही पेन में था। वो जो को ये कहता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। जो कहता है कि उसे मिल को पुश करना ही होगा। तो नेबर बोलता है कि ये सब एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है और सारे एल्गोरिदम्स उसी के अंदर हैं। और खास बात ये थी कि इस कंप्यूटर प्रोग्राम को नेबर ने ही बनाया था ताकि कंपनी सबसे आगे रहे, लेकिन वो खुद यहाँ पर फंस गया। खैर अब तभी जो के दिमाग में एक बात आती है। वो ये कहता है कि कंप्यूटर अपने एल्गोरिदम्स के हिसाब से ही काम करता है और रूल ये है कि अगर किसी ने कम साइकिल्स कंप्लीट करी तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, और अगर सभी लोग एक भी साइकिल कंप्लीट ना करें तो यहाँ पर एल्गोरिदम फेल हो जाएगी और कोई नहीं मारा जाएगा। अब जो ये सारी बात सभी कैदियों को बोलता है और बाकी सब पहले तो उसे गालियां देते हैं, लेकिन बाद में वो सभी मान जाते हैं और ऐसे ही वो सब कोई भी काम नहीं करते और आखिरी मिनट्स बचे हुए थे। और तभी मैलर्ड सभी को धमकी देते हैं कि जिनकी भी साइकिल्स कम हुई हैं वो मारे जाएंगे। तो सभी कैप्टिव्स डर के मारे साइकिल्स को कंप्लीट करने लगते हैं और नेबर भी जो को कहता है कि वो साइकिल कंप्लीट करे क्योंकि उसे उसकी फैमिली के पास जाना है। अब जो इस बात के लिए नहीं मानता, लेकिन नेबर के इंसिस्ट करने पर वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और रात को जो नेबर से उसका नाम पूछता है तो वो नेबर ये बोलता है कि उसका ही नाम एलेक्स है। नेबर बताता है कि वो वहां से बाहर निकल गया था लेकिन उसे पकड़कर वापस रूम में डाल दिया था और उसे ये लगा कि शायद जो वहां से बाहर निकल सकता है, लेकिन जो भी वहां से नहीं निकल पाया। वो कहता है कि अगर वो यहां से निकल पाता तो वो मैलर्ड को आग लगा देता। खैर इसके बाद जो नेबर को गुड बाय कहता है और वहीं पर लेट जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर गार्ड आता है और वो नेबर को भी मार देता है और उसके चिल्लाने की आवाज जो से सुनी नहीं जा रही थी और वो बहुत मुश्किल से रात गुजारता है। अब अगले दिन मैलर्ड कंपनी जो को उसकी वाइफ और बेटे की वीडियो दिखाते हैं और जो इस पर काफी भड़क जाता है। जो अब मैलर्ड को गालियां देने लगता है तो मैलर्ड कंपनी कहती है कि जो को काम से निकाला जाता है, जिसका मतलब जो को भी मार दिया जाएगा। और तभी उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है और अंदर कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो जो के किसी सवाल का जवाब नहीं देते। और फिर वहां पर गार्ड भी आता है और वो एक इंजेक्शन फिल करने लगता है। वो जो को उकसाने की कोशिश करता है और जो भड़क जाता है और गार्ड पर हमला कर देता है, उसको पीटने लगता है। वो गार्ड कहता है कि जो उसे मार दे और बाकी सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन जो गार्ड को मारता ही नहीं है और वो मैलर्ड को ये कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और वो सब मॉन्स्टर हैं। और जो यहाँ पर वो जॉब क्विट कर देता है और अचानक से ही वो खुद को एक रूम में देखता है जहाँ पर और भी लोग थे। उसके सामने वो गार्ड भी बैठा हुआ था जो कि असल में मैलर्ड का HR था और वो जो को बताता है कि ये सब मैलर्ड कंपनी का एक सिमुलेशन
सिमुलेशन प्रोजेक्ट था। जी हाँ, यहाँ पर कुछ भी असली नहीं था, जिससे कि एम्प्लॉयज की पोटेंशियल को देखा जाता है। और उन्होंने यहाँ पर जो के लिए चैलेंजेस बढ़ाए थे और जो ने उन चैलेंजेस को काफी अच्छे से फेस किया, जिस वजह से अब जो को मैलर्ड कंपनी के अंदर एक अपर डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया गया है। और अब वो जो को बताते हैं कि उसे ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि शायद कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन असल दुनिया में अभी खाली एक घंटा ही बीता था। खैर, इसके बाद एचआर जो को कंपनी दिखाता है और हमको एक बात पता चलती है कि ये मूवी फ्यूचर में सेट है। खैर, यहाँ पर एचआर जो को मैलर्ड के कंप्यूटर प्रोग्राम से भी इंट्रोड्यूस करवाता है और अभी भी जो को वो मिल वाले विजन आ रहे होते हैं। एचआर जो को उसका ऑफिस दिखाता है और एक स्टेटमेंट पर साइन करवाता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर जो इस कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में किसी को भी बताएगा तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, और जो भी साइन कर देता है। और इसके बाद एचआर वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जो अपनी बीवी को कॉल करता है और उसको बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और आज वो घर थोड़ी देर से आएगा, लेकिन आज वो पहले जैसे बिहेव नहीं करेगा। और इसके बाद जो कॉल कट कर देता है। और अब मूवी के एंडिंग सीन में जो ये कहता है कि वो इस कंपनी को आग लगाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोग सबके माइंड के साथ में टॉर्चर कर रहे थे, और वो ये बात काफी सीरियस वे में बोल रहा था। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मिल फिल्म की कहानी। काफी डिफरेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी मजा आता है। तो यहाँ पर फ्यूचर के अंदर मैलर्ड सबसे बेस्ट कंपनी बन गई थी और उनको अपने एम्प्लॉयज को बेहतर बनाने के कई मेथड्स थे जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक थे, जिसके अंदर वो थोड़े ही टाइम में अपने एम्प्लॉयज को इम्प्रूव कर दिया करते थे, यानी कि मात्र आधे से एक घंटे में। और जब मिल के अंदर किसी को मारा जाता था, यानी कि सिमुलेशन प्रोग्राम के अंदर, तो असल में उस एम्प्लॉय को रियल में काम से निकाल दिया जाता था। और असल में जो के डिपार्टमेंट ने बहुत घटिया रिजल्ट दिखाया था, जिस वजह से जो और उसके एम्प्लॉयज को मैलर्ड इम्प्रूव करवा रही थी, यानी कि मिल के अंदर उनका एक तरीके से पीपीई चल रहा था, यानी कि परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट चल रहा था। और सच बताऊं तो मिल का जो ये एक्सपीरियंस था ना, वो एम्प्लॉयज के लिए हेल से कम नहीं था। उनको लगता था कि वो वहां पर महीनों से कैद हैं। खैर, अंत में जो ने सभी चैलेंजेस फेस किए और मिडल डिपार्टमेंट के मैनेजर से वो सीधा अपर डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया था, यानी कि उसने इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा तगड़ी करी थी। सिंपल सी बात देखी जाए तो उसके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था और उसी चीज को यहाँ पर कंपनी ने बाहर निकाल दिया। लेकिन एंड में आकर यहाँ पर जो ने बहुत कुछ सह लिया था, तो अंत में आकर उसके दिमाग में यही सारी बातें घूम रही थी कि उसके साथ में कितना गलत हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर सबके साथ कितना गलत होता है, कंपनी यहाँ पर फोर्स करती है अपने एम्प्लॉयज को। साथ ही साथ वो अपने नेबर एलेक्स का भी बदला इस कंपनी से लेना चाहता था, जो कि वो इस कंपनी को जला कर लेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंट टाइप की फ्यूचरिस्टिक हॉरर थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी। मुझे तो पर्सनली काफी बढ़िया लगी है। आपको याद होगा कि प्लेटफॉर्म मूवी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा सेम है। यहाँ पर फूड नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम को दिखाया गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।